असलम मैं हूं फीम खान नेशनल सेविंग की अपडेट प्राइवेट बैंकों की अपडेट बजट सरकारी मुलाजमन की तनख्वाह पेंशन ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खदत में हाजिर हूं रिक्वेस्ट आप लोग से यही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो को लाइक कर दें वीडियो को शेयर कर दें बेल आइन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर जो हम आप लोग के वीडियोज़ बना रहे हैं चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो बजट हो सरकारी मुलाजमन की तनख्वाह हो पेंशन हो ई यू बी आई हो वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें आज की जो हमारी वीडियो है वो बैंक अल हबीब से रिलेटेड है आज की वीडियो टर्म डिपॉजिट से रिलेटेड है बैंक अल हबीब का जो टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट है उससे रिलेटेड है बैंक अल हबीब बहुत ही बड़ा बैंक है बहुत ही कामयाब बैंक है और बहुत तेज़ी से कामयाबी के मंजिल तय किएस इसने बहुत बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा ब्रांचेज इसकी ग्यारह सौ बारह सौ ब्रांचेज हो चुकी हैं बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ है बेंगल अबीब वालों का और सेकेंडली ये कि जनाब इस्लामिक बैंकिंग और कन्वेसनल बैंकिंग दोनों करते हैं बैगल अबी वाले मतलब अगर आपने कन्वेस्टल बैंकिंग में इन्वेस्टमेंट करनी है तो कन्वेशनल में भी कर सकते हैं इस्लामिक में कर नहीं है तो इस्लामिक में भी कर सकते हैं बल्कि अब जो है वो बेंगल अबीब जो है वो कन्वेशनल ब्रांचेस खुलना बंद करती है अब जो नई जो भी ब्रांचेज खुल रही हैं वो बेंगल अबीब की इस्लामिक ब्रांचेज खुल रही हैं तो जनाब आज की वीडियो में हम देखेंगे ये जो जिस टर्म डिपॉजिट की हम बात कर रहे हैं इसका प्रॉफिट रेट कितना है नया प्रॉफिट का क्या है क्योंकि बैंक अबीब ने अभी रिसेंटली जो है अपने तमाम इसकी, को स्कीम के प्रॉफिट रेट में अप्स एंड डाउन किया बदल किया है तो इसका करंटली प्रॉफिट क्या है वीडियो बनाने का मकसद भी ये कि अभी इसका करंटली प्रॉफिट चेंज हुआ है तो नया प्रॉफिट इसका क्या है ठीक है अच्छा प्रॉफिट की जहाँ बात हो रही थी जनाब प्रॉफिट में हम देखेंगे टैक्स कितना कटेगा फाइलर को कितना टैक्स कटेगा और नॉन फाइलर को कितना टैक्स कटेगा और टैक्स काटने बाद फाइलर को क्या नेट प्रॉफ़िट बचता है और नॉन फाइलर को क्या नेट प्रॉफ़िट बचता है आज के वीडियो में हम ये भी देखेंगे जनाब बैंगल अबीब में आप अकाउंट किस तरह खुलवाएंगे मतलब वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो बैंगल अबीब आपसे कहकर के लेकर आए ठीक है तो जनाब तब वो तमाम डॉक्यूमेंट्स पे हम डिस्कस करेंगे अकाउंट खुलवाने का प्रॉपर जो तरीका है वो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे अच्छा चूंकि ये सेविंग अकाउंट होता है टर्म डिपॉजिट जो है तो उस पर ज़क़ात भी कटता है तो ज़क़ात से किस तरह हम बच सकते हैं वो भी आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे नॉन फाइलर पे विथ होल्डिंग टैक्स भी चार्ज होता है ठीक है फायलर पे चार्ज नहीं होता नॉन फाइलर पे चार्ज होता है लेकिन चा की जो क्वांटिटी बहुत ही कम है पाँच परसेंट नाइन्टी फाइव परसेंट जो है वो नॉन फाइलर है तो हम जक़ात से किस तरह बच सकते हैं और विथ होल्डिंग टैक्स से किस तरह बच सकते हैं क्योंकि नाइन्टी फाइव परसेंट लोग जो है वो नॉन फायलर है तो वो भी आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जक़ात से भी, भी आप बच सकते हैं और विथ होल्डिंग टैक्स से भी बच सकते हैं तो जनाब वीडियो स्टार्ट करते हैं एक चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ जरूर बताऊँगा कि जनाब ये टी डी आर है टी डी आर का जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है आज की डेट में आपने फिक्स करवा लिया जिस जिस भी रेट पे ठीक है तो आने वाले दिनों में अगर प्रॉफिट रेट कम होगा तो आपको इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता टी टी आर वाले पे अगर आपने पाँच साल के लिए बुक करवाया तो पाँच साल तक जो है वो प्रॉफिट इसी हिसाब से मिलता रहेगा जो आपने बुक करवाया तीन साल के लिए बुक कराया तो तीन साल के लिए इसी हिसाब से मिलता रहेगा दो साल एक साल छः महीना तीन महीना एक महीना ठीक है तो टी टी आर का ये एडवांटेज होता है अभी तो प्रॉफिट बहुत ही अच्छा चल रहा है थोड़ा सा माइनर अप्स एंड डाउन हुआ है इंटरेस्ट रेट कमी की वजह से लेकिन अभी भी इस वक्त प्रॉफिट रेट बहुत ही अच्छा है लेकिन आने वाले दिनों में जैसे लोग कहा जा रहा है कि जनाब इंटरेस्ट रेट कम होगा इंटरेस्ट रेट कम होकर चौदह पंद्रह सोलह परसेंट पर आ जाएगा तो जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो कौमी बचत का भी प्रॉफिट रेट कम होगा और प्राइवेट बैंकों का प्रॉफिट रेट भी कम होगा तो ये बेहतरीन टाइम है अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो टी डी आर में जल्दी से इन्वेस्टमेंट कर लें तो आपके जिस जितने अर्से के लिए आप फिक्स करवा करवाएँगे आज का जो प्रॉफिट रेट है इस हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा अकाउंट का नाम नोट कर लें जनाब आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा अकाउंट का नाम है जनाब फिक्स टर्म डिपॉजिट ठीक है फिक्स टर्म डिपॉजिट यह अकाउंट का नाम है जनाब और फीचर्स की बात कर लें इसकी तो अप टू नाइन्टी परसेंट फाइनेंसिंग अगेंस्ट डिपॉजिट फॉर पी के ओनली ठीक है मतलब आपने अगर दस लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की फिक्स टर्म डिपॉजिट में तो क्या आप नौ लाख इस पर जो है अपने दस लाख के अंगेज नौ लाख रुपए तक का लोन हासिल कर सकते हैं ठीक है मिनिमम डिपॉजिट रिक्वायरमेंट पच्चीस हज़ार रुपये से आप फिक्स टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अच्छा अवेलेबल टेनर्स की बात कर ले तो जनाब एक महीना दो महीना तीन महीने छः महीने एक साल से लेकर पाँच साल तक जो है इसका टेनर्स मौजूद है मतलब इसी इस तरीके से आप आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ठीक है प्रॉफिट रेट की बात कर लेते हैं जनाब अगर एक महीने के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं तो अट्ठारह परसेंट के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा तीन महीने पर अट्ठारह परसेंट है छः महीने पर अट्ठारह परसेंट है एक साल पर एटीन पॉइंट टू फाइव परसेंट है सबसे अच्छा जो प्रॉफिट मिल रहा है वो एक साल पर मिल रहा है एटीन पॉइंट टू फाइव परसेंट ठीक है दो साल पे फोटीन पॉइंट वन जीरो तीन साल पे फोर्टीन पॉइंट वन ज़ीरो है चार साल पे थर्टीन पॉइंट वन जीरो और पाँच साल पे भी थर्टीन पॉइंट वन जीरो है तो जनाब सबसे अच्छा जो प्रॉफिट मिल रहा है वो 18.25 मिल रहा है एक साल वाले पे ये ठीक है तो इसके आज की जो भी हम कैलकुलेशन बनाएंगे वो सब 18.25 परसेंट के हिसाब से बनाएंगे क्योंकि एज पर कंपनी मैनिफेस्ट जो मंथ जिस मंथ में या जिस टैनर में प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा होता है हमने उसी पर कैलकुलेशन करनी होती अच्छा प्रॉफिट कैलकुलेशन से पहले जनाब अकाउंट खुलवाने का तरीका सुन लें बहुत ही सिंपल है बैंक अलबीट की किसी ब्रांच का विजिट करें शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाए और ये शरारती कार्ड आपने दिखाना होता है सिंपल सा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है अब तो तमाम बैंकों की प्रैक्टिस है कि फॉर्म वो खुद ही भर देते हैं आपने सिर्फ साइन करना होता है तो फॉर्म ब्रांच स्टाफ फिलअप कर देगा आपने सिर्फ साइन करना होगा ठीक है अच्छा इसके अलावा इनकम प्रूफ मांगते हैं जब अकाउंट खुलवाते हैं कि जनाब आप इनकम प्रूफ दें ठीक है तो इनकम प्रूफ में क्या चीज़ देना है अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इनकम प्रूफ जो है In, बहुत ही सिंपल है इनकम प्रूफ में आप सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं या कंपनी का लेटर दे सकते हैं हमारा इंप्लॉय कितनी सैलरी ठीक है यह किसी के पेंशन आता तो पेंशन बुक की कॉपी या पेंशन स्लिप की कॉपी स्लिप की कॉपी भी दे सकता है वो भी इनकम प्रूफ है या किसी ने गोल्डन शेक लिया हुआ इस सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी उसके डॉक्यूमेंट्स दे सकता है वो भी इनकम प्रूफ है या फिर किसी ने घर या दुकान रेंट पर दिया हुआ है तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स दे सकता है जिस जिसपे लिखा होता है कि जनाब किराएदार हर महीने इतना किराया देगा वो भी इनकम प्रूफ है तो बहुत ही सिंपल है सिंपल है जनाब बेंगल अभी किसी भी ब्रांच का विजिट करें शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाए ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखाने के लिए साथ लेके जाए और इनकम प्रूफ दे दे फॉर्म पे साइन कर दे तो इनशाला आपका अकाउंट खुल जाएगा अच्छा एक चीज़ यहाँ पर ऐड कर दूँ जनाब चूँकि सेविंग अकाउंट होगा तो आप चाहते हैं कि आपके अकाउंट पर ज़क़ात ना कटे तो अकाउंट खुलवाते वक्त जो है सी जैड फिफ्टी का फॉर्म होता है जिसे जक़ात अंडरटेकिंग भी कहते हैं वो जमा करवा देंगे तब आपके अकाउंट से ज़कुआत नहीं कटेगा या फिर रमज़ान से पहले जमा करवा दें दस दिन बीस दिन एक महीना पहले तब भी जो है ज़क़ुत नहीं कटेगा लेकिन बेहतर ये कि अकाउंट खुलवाते वक्त जमा करवाएं क्योंकि बाद में अक्सर इंसान के जहन से वो रह जाता है अच्छा टैक्स की बात कर ले जनाब मैंने आपसे कहा था कि जनाब विथ होल्डिंग टैक्स भी अकाउंट पे चार्ज होता है तो और ज़क़त अंडर दे के जो आप बच सकते हैं विथ होल्डिंग टैक्स क्या करेंगे तो विथ होल्डिंग टैक्स की डिटेल सुन लें जनाब विथ होल्डिंग टैक्स फाइलर पर तो चार्ज होता नहीं ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ विथ होल्डिंग टैक्स चार्ज होता है नॉन सिर्फ और सिर्फ नॉन फाइलर पे अगर कोई नॉन फाइलर कैश पैसे निकलवाता है कैश की कंडीशन है अगर कोई नॉन फाइलर कैश पैसे निकलवाता है पचास हज़ार से ज्यादा भले से एक रुपये ज्यादा हो तो एक लाख में जो है छः सौ रुपये मतलब जीरो पॉइंट सिक्स परसेंट के हिसाब से विथ होल्डिंग टैक्स चार्ज होगा तो बहुत ही सिंपल है इससे बचने का तरीका इससे बचने का तरीका ये कि पर डे अगर आप नन फैलें तो पर डे पचास हज़ार या पचास हज़ार से कम की कैश ट्रांजेक्शन करें या फिर कैश की ट्रांजेक्शन अगर बैंक का चेक डिमांड ऑफ पे ऑर्डर के ज़रिए क्लियरिंग के चेक के ज़रिए ट्रांजेक्शन करेंगे तो विथ टैक्स से बच सकते हैं अब बात करेंगे जनाब हम प्रॉफिट रेट की और उस पर फिर देखेंगे टैक्स कितना कट रहा है प्रॉफिट रेट ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ एटीन पॉइंट टू फाइव परसेंट है तो इस पर हम सारे कैलकुलेशन बनाएंगे और फिर देखेंगे नेट प्रॉफ़िट फाइलर और नॉन फाइलर को कितना बचता है स्क्रीन पे आपको दिख रहा है जनाब ये कैलकुलेशन जो है वो फाइलर के लिए रेट है एटीन पॉइंट टू फाइव परसेंट मतलब साल का मुनाफा बनेगा फाइलर का एक लाख पे अट्ठारह हज़ार दो सौ पचास रुपये ठीक है थीके? अगर आप फाइलर हैं तो पंद्रह परसेंट टैक्स कटेगा जिसकी उम्र बढ़नी दो हज़ार सात सौ अड़तीस रुपये और टैक्स काटने के बाद एक लाख पे पंद्रह हज़ार पाँच सौ बारह रुपये का नेट प्रॉफिट बचा है फाइलर को तमाम टैक्स काटने के बाद इसी तरह बात कर लेते हैं जनाब नॉन फाइलर की तो रेट एटीन पॉइंट टू फाइव परसेंट मतलब साल का मुनाफा बनेगा अट्ठारह हज़ार दो सौ पचास रुपये अगर आप नॉन फाइलर थर्टी फाइव परसेंट टैक्स काटेगा का, फाइलर नॉन फाइलर पर टैक्स बहुत ज़्यादा है और दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है ठीक है फायलर पे पंद्रह परसेंट और नॉन फायलर पे थर्टी फाइव परसेंट ठीक है तो जना नॉन फाइलर पे थर्टी फाइव परसेंट टैक्स कटेगा जिसकी उम्र बनी छः हज़ार तीन सौ अट्ठासी रुपये और टैक्स काटने के बाद एक लाख पे ग्यारह हज़ार आठ सौ बासठ रुपये का नेट प्रॉफ़िट बच रहा है जनाब नॉन फाइलर का तो यहाँ पे अगर मैं नोट करूँ जनाब तो फाइलर का प्रॉफिट बहुत ही शानदार है एक लाख पे ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है साल का अट्ठारह हज़ार दो सौ पचास रुपये और टे, तमाम टैक्स काटने के बाद जो है वो नेट प्रॉफ़िट बन रहा है पंद्रह हज़ार पाँच सौ बारह का नॉन फाइलर का टैक्स बहुत ज़्यादा है जनाब इसलिए इसका प्रॉफिट रेट जो है ग्यारह आठ ग्यारह हज़ार आठ सौ बारह बन रहा है लेकिन अगर आप फाइलर पे नोट करें तो बहुत ही शानदार प्रॉफिट है अट्ठारह हज़ार दो सौ पचास रुपये और पंद्रह हज़ार पाँच सौ बारह रुपये आज के हमारी जो वीडियो थी जनाब वो फिक्स टर्म डिपॉजिट के हवाले से बहुत ही शानदार इसका प्रॉफिटेड है और दूसरी चीज़ है कि जनाब ये फिक्स है फिक्स टर्म डिपॉजिट टीडीआर है बेसिकली ठीक है और टीडीआर का एडवांटेज जो है वो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ एक दफ़ा आपने फ़िक्स करवा लिया एक साल दो साल तीन साल या पाँच साल के लिए तो जब तक आपकी मेच्योरिटी नहीं हो जाती आज जिस रेट में आपने फ़िक्स करवाया उसी रेट पर प्रॉफ़िट आपको मिलता रहेगा यहाँ पे वीडियो हम खत्म करते हैं जनाब उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी रिक्वेस्ट आप लोग से यही अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे वीडियो को लाइक कर दे वीडियो को शेयर कर दे बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग के वीडियोस बना रहे हैं चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो बजट हो सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह हो पेंशन हो ई ओ बी आई हो वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सकें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़